फ्रेंड्स, ये अपना दूसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और उसका प्रैक्टिसेस, ठीक है। और लास्ट में हम लोग होल्स्टीन फ्रीशियन जो है, हाइब्रिड एक काऊ है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो लेट मी टेल यू अबाउट द होल्स्टीन फ्रीशियन, जिसको हम लोग HF के नाम से पढ़ते हैं। हालांकि इसको जो होल्स्टीन फ्रीशियन है, ये एक होलैंड का काऊ है। होलैंड मतलब एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ का काऊ है, जो कि बहुत हाइब्रिड मतलब हाई लीटर्स ऑफ मिल्क हमको देता है, ठीक है। तो इसका डिटेल में, इसके बारे में हम लोग जो है सेकेंड सेशन, दैट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं बाय पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री का मतलब मैं आपको बताया था कि चिकन, हैंस या डक जो है, इसको पोल्ट्री बोलते हैं। तो पोल्ट्री इज़ अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, और फाउल मतलब बर्ड्स, ठीक है, यूज्ड फॉर फूड और देयर एग्स, ठीक है। देयर टाइपिकली इंक्लूड्स चिकन, डक्स और समटाइम्स टर्की एंड गीस। तो चिकन होता है, और मोस्ट मतलब प्राइमरीली जो होता है चिकन होता है, लेकिन कभी कभी जो होता है टर्की भी हो सकता है और गीज भी हो सकता है। टर्की और गीज जो है, ये भी जो होता है नॉर्मल एंड लाइक अ चिकन, मतलब क्या है, एंड बर्ड्स हैं, ठीक है ना। दी वर्ड पोल्ट्री इज़ ऑफन यूज टू रिफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, बट इन मोर जनरल सेंस इट मे रिफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड ऑल्सो, ठीक है ना। मैं आपको पहले भी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मुस्लिम कंट्रीज़ में गोश्त बोलते हैं, ठीक है। जो पठान लोग होते हैं या मुस्लिम, जो मतलब मुस्लिम भाई बहन होते हैं, उनके वो गोश्त बोलते हैं। तो वो उसको, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, मेरा बोलने का मतलब ये था, ठीक है ना। यहाँ पे एज इन डेरिक सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड से प्रॉपर फार्मर सेफ कंडीशंस, प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री। मतलब जैसे कि डेयरी फार्म में जो इंपॉर्टेंट था कि प्रॉपर ब्रीड सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पोल्ट्री में भी वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, यू मे हैव सीन अ बर्ड न्यूज़ अबाउट अ न्यूज़ पेपर आर्टिकल रिपोर्ट्स अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस, ठीक है। बर्ड फ्लू वायरस हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, चिकन उकन नहीं खाना चाहिए, सब सुना होगा। विच क्रिएटेड अ स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंसप्शन, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट दी डिसीजेस एंड द पैनिक रिएक्शन ऑफ जस्टिसन, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू इन केस सम चिकन आर इन्फेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वाइन फ्लू होता क्या है, इसका ना मतलब, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू जो होता है, ये एक फाउल यानी कि बर्ड्स का डिजीज है, जिसमें दो प्रकार का आता है, H1N1 फ्लू को बोलते हैं स्वाइन फ्लू, ठीक है। स्वाइन फ्लू का जो होता है, उसका जो मतलब सिम्टम्स है, कफ होता है, थ्रॉट पेन होता है और वॉमिटिंग। तो स्वाइन फ्लू जो होता है, ये हम लोग को, ये इंसान को हो जाता है, ठीक है, मतलब बर्ड का डिजीज जो इंसान को होता है। दूसरा हम लोग H5N1 फ्लू, जिसको बोलते हैं बर्ड फ्लू, ठीक है। तो दो प्रकार डिजीज है, स्वाइन फ्लू जो कि हम लोग का कॉज बाय H1N1 फ्लू, और बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 फ्लू, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू का सिम्टम्स होता है, और बर्ड फ्लू का भी कुछ सिम्टम होता है, जिसके चिकन मर जाते हैं, ठीक है। तो बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू किसी, तो बर्ड फ्लू अगर होता है किसी भी चिकन को, तो उसका एक ही तरीका है कि वो इन्फेक्टेड बर्ड्स को अलग करना और उन्हें मतलब उनको मतलब किल करके या दफनाना चाहिए, ठीक है ना। ये एक उसका ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और उनका वैक्सीनेशन करवा देते हैं और सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू में आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि इसमें H1N1 है, उसमें H5। देखो, बर्ड्स जो होते हैं हमेशा ग्रुप में होते हैं, इसलिए H1N1 फ्लू। ह्यूमन बीइंग में जो होता है अपना स्वाइन फ्लू होता है, तो H1N1 फ्लू, यानी ह्यूमन सिंगल एग्जिस्ट करता है ना मोस्टली, ठीक है ना। ऐसा आप ट्रिक से या ऐसा एनालॉजी से आप याद करिए, ठीक है। दूसरा हम लोग का है कि एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। अब क्या है एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ओके। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ प्रोड्यूस। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड वी ब्रीड एनिमल्स, ठीक है। किस कैरेक्टरिस्टिक्स के हम लोग एनिमल को ब्रीड करेंगे। ब्रीड मतलब क्या होता है कि एक फार्म में पालना, ठीक है। व्हाट वुड बी द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर फ्रॉम द चॉइस ऑफ एनिमल, वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली यार, अच्छे कैरेक्टर के हम लोग उसको चॉइस को बदल देते हैं, है ना। अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बर्ड्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड, ठीक है। ब्रीड का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक अपियरेंस, जनरल अपियरेंस, फीचर्स, साइज एंड कॉन्फिगरेशन, इसको बोलते हैं ब्रीड, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ, ये जो टर्म है इसको याद रखिए, आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। अब क्या, थोड़ा आगे बढ़ गया, ओके। ये टर्म आपको इंपॉर्टेंट है कि फीचर्स में से क्या 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 है कि अपियरेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय अ डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज ब्रीड, ठीक है। तो
ब्रीड दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब है व्हेन ब्रीड इज़ बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, इट इज़ कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग जो होता है जेनेटिक प्योरिटी के लिए भी करा जाता है कि एक ही प्रजाति का एनिमल है, एक ही टाइप के मतलब बर्ड्स हैं, तो उन लोग को आपस में ब्रीड कराते हैं तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। इन इन सबको समझ, इन मतलब अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर ब्रीड होता है तो इन ब्रीडिंग। एक एक प्रजाति का एक टाइप ऑफ हैन और दूसरे टाइप ऑफ हैन का जो ब्रीड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे डक और काऊ का जो होता है नॉर्मली ब्रीडिंग क्यों नहीं होता है, तो उन लोगों का जो होता है इनकम्पैटिबल कंपैटिबल होता है, ठीक है ना, मतलब डेवलपमेंटल थोड़ा फीचर्स, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, दोनों का स्पर्म जो होता है अच्छे से कंबाइन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये हो गया, फिर हम लोग पढ़ते हैं इन ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग के बारे में। तो इन ब्रीडिंग है एक है और अपना आउट ब्रीडिंग है, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग क्या होता है, इन ब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ और इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 to 6 जनरेशन जो टर्म है, ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ब्रीडिंग में 4 से 6 जनरेशन तक हम लोग एक ही टाइप, टाइप मतलब ब्रीड तो सेम है, स्पीशीज सेम है, जीनस सेम है, लेकिन एक ही टाइप, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जोग्राफिकली अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप पाया जाता है। तो एक ही टाइप के बर्ड को 4 से 6 जनरेशन में अगर हम लोग ब्रीड करवाते हैं, यानी कि उनका रिप्रोडक्ट वो करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, तो जो हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं इन ब्रीड। ठीक है, दिस ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज़ फॉलोज, ठीक है, तो इसमें जो होता है स्ट्रेटजी, मतलब उसका जो तरीका है वो ये है कि सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स, देयर प्रोजेनी फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम सच मेटिंग्स आर इवेल्यूएटेड एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मेटिंग। ठीक है, तो एक ही टाइप की जो है मेल, सुपीरियर मेल मतलब स्ट्रॉन्ग मेल है ना, मजबूत मेल और एक मजबूत फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को ब्रीड कराते हैं, तो बहुत सारे प्रोजनी होते हैं, उनमें से कुछ प्रोजनी कमज़ोर होगा, कुछ मजबूत होगा, तो जो मजबूत प्रोजनी है उसको फिर से फर्दर 4 से 6 जनरेशन तक ब्रीड कर, 4 से 6 जनरेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है ये प्रोजनी अमंग देम पड़े, अब सुपीरियर फीमेल इन केस ऑफ कैटल इज़ द काउ और बुफेलो दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको बोला सुपीरियर का मतलब क्या होगा, कि दिखने में अच्छा होगा कि क्या होगा, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं, हम लोग अपने यूज़ के लिए करवा रहे हैं, तो जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है वही सुपीरियर है, जो अगली है, जो सुंदर है, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, हम लोग ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मेल इज़ बुल विच गिव्स टू राइट टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स, ठीक है, तो फीमेल के लिए भैया दूध जो अच्छे दूध दे रही है जो फीमेल, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेल के लिए वो है जो सुपीरियर प्रोजेनी दे रहा है, जो सुपीरियर बच्चा दे रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है मेल के लिए, ओके ना। फिर दूसरा है ट्राई टू रिकोलेक्ट दी होमोजाइगस प्योर लैंड डेवलप्ड बाय मेंडल इन चैप्टर 5, ठीक है, हाँ, हम लोग जैसे कि पढ़े थे जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस, मेरे वीडियोस उसके लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे धीरे धीरे, तो उसका तो उसमें भी आप देख लेना। तो उसमें जो है मेंडल क्या करता है कि एक ही एक मिल गया उसको, उसको बार 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 उसको मतलब फर्दर फर्दर ब्रीडिंग करते गया विदाउट क्रॉस ब्रीडिंग बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक से, तो उसको एक सुपीरियर प्रोजेनी मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस कंडीशंस, ठीक है, एक ही मतलब टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल टी, तो वो कंडीशन जो होता है वो इन ब्रीडिंग से इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ़ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन ऑफ एन एनिमल, ठीक है, तो प्योर उसका क्वालिटीज विदाउट एनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोग को इन ब्रीडिंग करना पड़ता है। जैसे कि एक एक हम लोग के पास जर्मन शेफर्ड है, दो जर्मन शेफर्ड, दोनों हम लोग एक ब्रीड करें तो बीच में किसी का क्रॉस आ गया है ना, क्रॉस ब्रीड आ गया, तो वो क्या होता है, उनका जो जीन पूल है ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक ही प्रकार का अगर एनिमल बार 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 मेट कर रहे हैं तो वही टाइप का मोस्ट सुपीरियर प्रोजेनी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि क्रॉस ब्रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है अगर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। दस इन ब्रीडिंग इज़ नेसेसरी इफ़ यू वॉन्ट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन ऑफ एनिमल, इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रेसेसिव जीन्स एंड एलिमिनेटेड बाय सेलेक्शन, ठीक है। तो इनब्रीडिंग में क्या होता है कि रेसेसिव जीन्स, जैसे कि अभी इनब्रीडिंग हो रहा है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ रहा है, अब जो चीज़ रेसेसिव जीन्स होता है वो फ्यूचर में जाकर के उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो रेसेसिव चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको आर्टिफिशियली हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय सम मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये भी एक हो गया, तो रेसेसिव इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, ठीक है ना, वो पता है। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज सेलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, हाउ एवर कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग एस्पेशली क्लोज ब्रीडिंग यूजली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, समझ में। तो ये एक बहुत मस्त टर्म है समझने के लिए, हम लोग यूज कर रहे हैं कि एक ही चीज़ हम लोग जब खा रहे हैं बार 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 बार, अगर आप मैगी 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 खा रहे हो, या आपकी एक ही मतलब गर्ल फ्रेंड, सॉरी सॉरी आई विल नॉट यूज़ वल्गर
ठीक है, अगर आपका एक ही खाना खा रहे हो आप, ठीक है, अगर आप एक ही खाना खा रहे हो आप बार बार, तो क्या होगा, यू विल बी बोर्ड, ठीक है। वैसे ही बार बार इनब्रीडिंग हो रहा है ना, तो स्पीशीज़ जो होता है वो खुद बोर हो जाते हैं फर्दर ब्रीडिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, एंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, समझ में आ रहा है। तो जब तो ठीक है ना, बार 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 ब्रीडिंग हो रहा है एक ही टाइप, एक ही टाइप से, एक ही प्रजाति से, एक ही टाइप ऑफ एनिमल से, तो उनका जो मतलब कैपेसिटी है, या फिर उनका जो मतलब टेंडेंसी टू प्रोड्यूस गुड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिड्यूस्ड, और इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये टर्म आपको समझना चाहिए, ठीक है। मैं आई हैव गिवन एग्जांपल, एक्सलेंट एग्जांपल मैगी का, ठीक है। हालांकि मेरे जो सर थे, मतलब जो मेरे मतलब मैं जो पढ़ा था वो ठीक है, ऐसे मतलब उसमें कुछ वल्गर वल्गर एक्सप्लेनेशन भी था, बट आई एम नॉट यूजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर फीमेल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आ गया, इनब्रीडिंग क्या होता है समझ में आ गया, इनब्रीडिंग क्या होता है कि एक ही टाइप, ठीक है, एक ही टाइप ऑफ एनिमल्स, जैसे कि एक एक मुर्गी है, उसका जो है मोटी है बहुत, है ना, और अंडे अच्छे दे रही है, तो वो एक टाइप हो गया, और दूसरी मुर्गी है सेम टाइप का, वो थोड़ा सा पतली है, या उसका थोड़ा बॉडी फीचर्स अच्छा नहीं है और अंडा अच्छा नहीं है, क्वालिटी कम है, तो वो एक डिफरेंट टाइप हो गया, लेकिन दोनों का स्पीशीज सेम है, जीनस सेम है, किंगडम सेम है, ठीक है। ये तो एक ही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग ब्रीड करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग का जो एक मेन, इसका जो मतलब मेन टर्म क्या है, 4 to 6 जनरेशन के लिए कराते हैं। अब क्यों करवाते हैं हम लोग उससे, मतलब जो रेसेसिव जीन होता है, जो कि सिंगल सिंगल जीन होता है, उसको हम लोग जब वो होमोफेगस कंडीशन में आता है तो वो एक्सप्रेस होता है, मतलब रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जैसे कि आप हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस में, तो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होमोफेगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है ना, तो होमोफेगस कंडीशन में ला ला के उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, प्योर लाइंस, मतलब प्योर ब्रीड, प्योर प्योर प्रकार का, मतलब एक ही, जैसे कि ओनली ड्वार्फ ओनली, ये तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके निकालते हैं। फिर दूसरा इसका इनब्रीडिंग का जो एक प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये भी हो गया। व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ दिस ब्रीड शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, दिस यूजुअली रिस्टोर्स द फर्टिलिटी एंड, ठीक है, तो अनरिलेटेड मतलब जैसे कि उसी ब्रीड का, उसी टाइप का दूसरे टाइप, उसी ब्रीड का दूसरे टाइप ऑफ एनिमल्स के, अगर जो है अनरिलेटेड से अगर हम लोग उस ब्रीड जो कि जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया, अगर समझ लो हम लोग कंटिन्यूसली ब्रीड करें, ठीक है, कंटिन्यूसली ब्रीड करने की वजह से क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से उसको क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, तो वो भी हम लोग एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है हम लोग आउट ब्रीडिंग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, आउट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एनसिस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन, नो कॉमन एनसिस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन कॉल्ड आउट क्रॉसिंग, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग, और डिफरेंट स्पीशीज टू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होगा, डिफरेंट टर्म होगा, अगर डिफरेंट ब्रीड, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में कर रहे हैं, अनरिलेटेड कॉमन एनसेस्टर नहीं है, तो उसको बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। अगर डिफरेंट ब्रीड हो गया, अलग अलग ब्रीड वाला बजाय, मतलब जैसे कि एक सहीवाल है और एक ओंगोल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग। और दूसरा है तो अगर अलग अलग स्पीशीज़ में कर दिए हम लोग सीधा, तो जैसे कि म्यूल था, ठीक है, तो हिनी है म्यूल है, तो वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हिनी है म्यूल है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट, ठीक है ना, अभी सब बताएंगे, ठीक है। फिर हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं कि आउट ब्रीडिंग क्या हो, आउट क्रॉसिंग क्या होता, ठीक है ना, तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है कि इसमें 4th जनरेशन में कोई इंडिविजुअल, कोई एनसेस्टर नहीं होता है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल्स विद द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एनसेस्टर्स ऑन ईदर साइड ऑफ दर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, दिस ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज कॉल्ड आउट क्रॉस, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल एक्सेट्रा, अ सिंगल आउट क्रॉस हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे करते हैं। तो आउट क्रॉस किसके लिए डिजायरेबल है, ठीक है, जो जो एनिमल्स विच आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ रेट इन बीटल, ठीक है, बीफ कैटल, ठीक है, समझ में। तो जैसे कि यू कैन, एक क्वेश्चन होता है, एन एनिमल इज बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ रेट, ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज स्पेसिफिक फॉर इट, इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका आंसर होगा आउट क्रॉसिंग, ठीक है ना, इसका आंसर आउट ब्रीडिंग भी होगा, लेकिन एक मोर अप्रोप्रिएट आंसर
क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कुछ से फॉर्म करके बता दिया हूँ। ओके, अब सेकंड है कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्रॉस अलग अलग ब्रीड, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, जैसे कि एक ब्रीड से दूसरे ब्रीड, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल दूसरे ब्रीड का सुपीरियर मेल। ठीक है, तो जैसे कि बंगाली और उड़िया है, बंगाली और दिल्ली वाले, हाँ बंगाली है या कोई मतलब ऐसा, या चाइनीज़ से शादी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, तो ना समझा, तो सिंगल क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग दी प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड एनिमल्स मे बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, अल्टरनेटिवली देर मे बी सब्जेक्टेड टू फॉर्म इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स दैट मे बी सुपीरियर टू एक्जिस्टिंग ब्रीड। मैनी न्यू एनिमल्स हैज बीन डिजायरेबल बाय दिस। हिसार डेल इज अ न्यू शेप ऑफ ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईयू एंड मरीनो रैम। तो ये हिसार डेल जो होता है एक शीप है जो कि आउट क्रॉसिंग का एग्जाम्पल है, जो जहाँ जो कि पंजाब में डेवलप किया गया था। हिसार डेल से एक बहुत एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ वुल मिलता है। ठीक है, तो और एक अच्छा काम का भी वो मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है हम लोग का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिसार डेल के बारे में पढ़ लिया, फिर क्रॉस ब्रीडिंग का हम लोग दूसरा एक, हाँ काऊ के बारे में एग्जाम्पल निकाले तो हम लोग का है करन स्विस। ठीक है, करन स्विस एक काऊ है जो कि NDRI करनाल में डेवलप हुआ था, जिसको सहीवाल और ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस मतलब स्विसलैंड, स्विसलैंड मतलब स्विस, स्विस मतलब एक अब्रॉड का एक ब्रीड है, उसे करके हिसार हम लोग को करन स्विस मिल गया। ठीक है, करन मतलब सहीवाल काऊ और ब्राउन स्विस बुल को क्रॉस ब्रीडिंग से। ठीक है, दूसरा है करन फ्राइज जो कि खुद NDRI करनाल में डेवलप हुआ, हरियाणा में एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ से। होल्स्टीन फ्रिशियन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि एक हाई यील्ड मिल्क देने वाला एक काऊ है, उसको थार पार्कर से, मतलब थार पार्कर जो है ये एक वो है, ये भी एक ब्रीड ऑफ बफेलो है, बुल है, तो इसके बाद हम लोग ब्रीड करा के जो है हम लोग को करन फ्राइज मिले। करन स्विस इज़ फ्रॉम सहीवाल इनटू ब्राउन स्विस। ठीक है, बुल और करन फ्राइज जो है वो भी हम लोग का होल्स्टीन फ्रीशन। ठीक है, जो खुद एक बहुत गुड वैरायटी है, फॉर एब्रॉड वैरायटी है, फॉरेन फॉरेन वैरायटी है, इनटू थार पार्कर। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग को फ्रीज वाल, फ्रीज वाल मतलब सहीवाल प्लस होल्स्टीन फ्रीशन इज इक्वल टू फ्रीज वाल। तो ये तीन हम लोग का क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ काऊ है। पहला है करन स्विस जो कि सहीवाल इनटू सहीवाल क्रॉस्ड विद ब्राउन स्विस, और करन फ्राइज है जो कि होल्स्टीन फ्रीशन और थार कार्पर, और फ्रीज वाल जो है होल्स्टीन फ्रीशन और सहीवाल से बंद। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इन दिस मेथड मेल फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड, अलग अलग स्पीशीज़ को मेट कर रहे हैं आप। ठीक है, इन सम केस द प्रोजेनी कैन कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड मे बी ऑफ सम इकोनॉमिकल वैल्यू। एग्जाम्पल द म्यूल, डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ म्यूल। ठीक है, तो फीमेल डोंकी इंटू मेल हॉर्स जो होता है, इससे हम लोग को म्यूल मिलता है। तो ये म्यूल है तो दिखने में थोड़ा घोड़ा टाइप का है, और जो लेग्स एंड वगैरह थोड़ा बॉडी है वो किस टाइप का है, ये है डोंकी टाइप। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या ज़रूरत था और इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं बोलने से, लाइक डोंकी है, डोंकी कैन कैरी अ ह्यूज नंबर ऑफ किलो ऑफ वेट, लेकिन क्या वो तेज़ नहीं भागता है। बट घोड़ा जो है तेज भागता है, बट इट कांट कैरी ह्यूज मतलब अमाउंट ऑफ वेट। ठीक है, इट कैन कैरी सम अमाउंट ऑफ वेट, बट उसको बार मारना पड़ता है, उसको चढ़ना पड़ता है, वो भागता है। लेकिन हाई अमाउंट ऑफ वेट होता है ना, तो वो यहाँ पर रख के वो नहीं भाग पाता है। तो डोंकी का स्पीड इट इज़ गिवन फ्रॉम दी मेल 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 हॉर्स, और फीमेल डोंकी को क्या है उसका वेट उठाने की क्षमता है इसके पास, तो इसको म्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, मेल का चाल है इसको मिला, मतलब मेल का चाल। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा है हम लोग का हिनी भी मिला, हिनी। ठीक है, सॉरी सॉरी, म्यूल जो है इट इज़ मेड फ्रॉम मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ठीक है, मेल डोंकी है तो डोंकी मतलब मेल होता है ना, तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से म्यूल बनता है, और हिनी जो है वो फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स। ठीक है, मेल हॉर्स को जैक बोलते हैं, फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स से हिनी बना है। ठीक है, तो म्यूल जो है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से बनता है म्यूल। ठीक है, एम म्यूल। ठीक है ना, ये समझ में आया। ये डोंट कन्फ्यूज, म्यूल एंड हिनी दो अलग अलग टर्म है। हालांकि हिनी मे नॉट बी आस्क इन AIPMD और नीट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
हाँ ये भी होगा, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीमेंस जो होता है तो उसको कलेक्ट कर कर आर्टिफिशियली जो क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इन टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय ब्रीडर। द सीमन मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन और यूज एट अ लेटर डेट। ठीक है, इसको जो होता है ये जो स्टोर करने का -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत काम आते हैं, हमेशा याद रखना कि क्रायो प्रिजर्वेशन में स्पर्म्स को हो गया या ब्रेन हो गया हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं, और उसको टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इट कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्रोजन फॉर्म टू वेयर एज मेल इज हाउस्ड इन दिस वे डिजायरेबल मीटिंग्स आर कैरियर। तो आप बोलोगे कि इसमें हार्ट को क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं ब्रेन को क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो फिर तो क्या होता है, तो ब्रेन वगैरह जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस में, मतलब ब्रेन को क्या हो, मतलब क्या उसका क्या कंडीशन है कि ब्रेन इट कांट बी बिकम डेड। अगर डेड है तो उसको दोबारा ट्रांसफर करके उसको जिंदा करना बहुत इंपॉसिबल है। ठीक है, इट शुड वर्क कंटिन्यूसली। हार्ट जो होता है, एक बार हम लोग को हार्ट की 3 मंथ टाइम, फ्रॉम 3 मंथ्स जो होता है हार्ट स्टार्ट बीटिंग है ना फीमेल, मतलब एम्ब्रियो में, तब से लेकर आखिरी दम तक हार्ट बीट करता है, एक बार भी स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी स्किप हार्ट बीट होता है, इट इज़ अ डिफरेंट फेनोमेना, बट इट कान बी स्टॉप। ठीक है, और अगर वो स्टॉप हो, और अगर हम निकालते हैं नस उसको, तो इट विल बी स्टॉप, और क्रायो प्रिजर्वेशन वी कांट डू विदाउट टेकिंग आउट। ओके, इस वजह से हार्ट एंड ब्रेन सर्जरी में ये सब इम्पोर्टेंट, मतलब काम नहीं आता है, और करना है तो इट शुड बिकम इन वर्किंग। ठीक है, तो इसलिए मशीन्स के द्वारा उसको वर्क करते हुए ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस वे डिजायर मीटिंग्स आर कैरिड, तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फीमेल तक लगे इंजेक्ट करते हैं, तो जो डिजायरेबल मीटिंग है हम लोग ऐसा कैरी करते हैं। ठीक है, कैन डिस्कस एंड सम लिस्ट ऑफ नॉर्मल मीटिंग्स है, बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, मे बी अफकोर्स द रिसक्सेस रेट ऑफ क्रॉस में मेच्योर मेल एंड फीमेल इज़ वेरी लो थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बहुत रिस्क होता है कि कभी कभी एक्सेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो होता है, तो फेलियर रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया। टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल मीन्स अदर मीन्स आर ऑल्सो यूजफुल। तो क्या होता है, आर्टिफिशियली अगर हम सीमन को डालते हैं तो सीमन जाके फीमेल में कंबाइन करेगा, या उसको मतलब क्या होता है, तो इसका चांसेस कम होता है ना, तो इसलिए क्या करते हैं कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि काऊ को हॉर्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, जिसमें ठीक है, इन दिस मेथड काऊ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स विच FSH लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस द फॉलिकुलर मेचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन इंस्टेड ऑफ 1 लाख एग दे विच प्रोड्यूस दे, मतलब जो जो कि नॉर्मली एक एक प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस 6 to 8 eggs। ठीक है, द एनिमल इज इलाइट बोल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड, दिस फर्टिलाइज्ड एग 8 to 16 सेल्ड आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली और ट्रांसफोर्ड टू सरोगेट मदर्स और काऊ द जेनेटिक अवेलेबल मदर फॉर राउंड अंडर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोस्ट्रेटेड फॉर कैटल रैबिट्स बफेलोज मेयर एक्सेट्रा हाई यील्ड वैरायटी ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी लीन मीट एंड लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुल हैव बीन सक्सेसफुली टू इंक्रीज दी हर्ड साइज इन शॉर्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं आपको इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि MOET क्या होता है, एक बार बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल काऊ के लिए, ठीक है, नॉर्मल काऊ में FSH लाइक एक्टिविटी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग लाइक हार्मोन लाइक एक्टिविटी का हार्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करके क्या करते हैं सुपर ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन होता है, ठीक, जो कि एक 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 साइकिल में प्रोड्यूस करती थी वो 6 to 8 eggs प्रोड्यूस करने लग जाए। ठीक है, MOET में क्या यूज़ होता है, FSH लाइक एक्टिविटी हॉर्मोन्स विच इंड्यूस सुपर ओवुलेशन एंड स्वयं फॉलिकुलर मैच्योरेशन। ठीक है, उसके बाद जो होता है 8 से 32 सेल स्टेज में उसको ट्रांसफर करते हैं नॉन सर्जिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांस अलग अलग स्टेटमेंट आ होता है, तो नॉन सर्जिकली टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है MOET के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 8 to 32 सेल ऑफ स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट है, और 6 to 8 eggs प्रोड्यूस करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन और FSH लाइक एक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक टर्म है, और बी कीपिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट फिशरीज ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अ वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट अ वीडियो, द लिंक फॉर सपोर्टिंग एंड इज गिवन, एंड अबाउट द बुक्स विच हैव यू हैव टू परचेज फॉर स्टडिंग इफ यू आर कन्फ्यूज विच बुक्स यू हैव टू परचेज द सेम हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय।